अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों आपको पता है कि हम करैक्टर क्रिएटर 3 जो है वो सीख रहे हैं, और उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें जो है वो आपको बताई हैं कि किस तरह से जो है वो आप एक करैक्टर बना सकते हैं, मेल करैक्टर कैसे बना सकते हैं, फीमेल करैक्टर कैसे बना सकते हैं। और पिछली वीडियो में जो है वो हमने एक गुरीला करैक्टर बनाना सीखा कि किस तरह से हम जो है एक गुरीला करैक्टर जो है वो बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपका जो जो पोजेज होते हैं, डिफरेंट किस्म के जो पोज होते हैं, मेल के फीमेल के, वो किस तरह से आप इसमें लगा सकते हैं। जब आप कोई भी क्लॉथ वगैरह यूज़ करते हैं तो वो आप पोज चेंज करके आप पता देख सकते हैं कि जो उसके जो कपड़े हैं वो ठीक से बैठ रहे हैं उसके ऊपर या नहीं बैठ रहे। तो इस तरीके से जो है ना वो आप उसको सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ कि मैं पहले शर्ट्स हैं और स्कर्ट्स हैं, यहाँ पर स्कर्ट्स ले लेते हैं, स्कर्ट्स लेकर और यहाँ पर जब मैं क्लिक करता हूँ, ये कोट्स हैं, ये फुल बॉडी है, फुल बॉडी में मैं जाते हैं तो ये देखें जैसे कि एक ये है, ये मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये मैं लगा लेता हूँ यहाँ पर। तो ये जो है इसका ये जो इसने कपड़े हैं वो पहन लिए हैं। तो इसके अलावा जो है वो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि एक इसके बाल भी लगा देते हैं ताकि जो है ना आपको पता है कि थोड़ी सी जो गंजी लड़की होती है वो ज़रा सही से नहीं लगती। तो चलिए यहाँ से जो है वो हम मैं क्या करता हूँ, मैं ये वाले जो बाल हैं इसके लगा देता हूँ यहाँ पर। तो ये मैंने यहाँ पे जो है वो इसके बाल लगा दिए हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो है एक तैयार हो चुकी है। अब अगर आपने इसके जो है वो चेंज करने हैं पोज लगा कर, अगर आपने इसको चेक करना है कि ये किस तरह से आपको नज़र आता है करैक्टर, तो ये करैक्टर मैंने पहले सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद अब जो है वो हम इसके पोज वगैरह देखेंगे कि किस तरह से ये कौन सा पोज इसके लिए बेस्ट रहता है। तो दोस्तों पोज के दो मतलब यहाँ पर ऑप्शंस हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो आइकन बना हुआ है इसके ऊपर अगर आप माउस लेके जाते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है पोज। इसके अलावा यहाँ पर ऊपर ये देखें सारे आइकन बने हुए हैं, यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये देखें यहाँ पर भी लिखा हुआ है पोज। वो आपकी मर्जी, आप यहाँ पर क्लिक करें या आप यहाँ पर क्लिक करें, आपको जो है ना पोज आपके सामने आ जाएंगे। ये देखें ये सारे पोज आपके सामने आ चुके हैं, इसमें मेल के भी हैं, फीमेल के भी हैं, एक्सप्रेशन के भी हैं, डिफरेंट किस्म के हैं। तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये आपको यहाँ पर ये देखें काफ़ी सारे जो पोजेज हैं नज़र आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये क्या फीमेल पोज है और ये वाले जो हैं ये मेल पोज हैं। तो मैं फीमेल पोज पर जाता हूँ तो ये फीमेल पोज हैं। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये क्या होता है जी, लो जी ये वाला जो पोज है ये आ गया जी, ये देखें जी कमाल का पोज है। इस तरह से भी आप करैक्टर वगैरह बना सकते हैं और ये बड़ी अच्छी जो है वो कमाल की पोज जो है वो हमारे सामने नज़र आ रही है। इसके अलावा ये एक ये देखें जी, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो लो जी ये वाली पोज है जी, बड़ी कमाल की पोज है ये, आप देख रहे हैं। इस तरह से आप जो है ना इसकी एक पोज भी बना सकते हैं, ये देखें जी। अच्छा जी एक ये वाली पोज है, ये देखें डिफरेंट किस्म की। इस तरह से मतलब आपको पता है कि जो मतलब लेडीज़ हैं वो इस तरह से बैठी होती हैं और ये जो है वो आपका पोज आपको नज़र आ रहा है इस तरह से। ये यहाँ पर सिर्फ मेन जो चीज़ है कि जस्ट आपने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है, जस्ट आपने किसी भी पोज पर जो भी पोज आपको पसंद आता है यहाँ आपने लगाना है तो वो आपने जस्ट उसके ऊपर जाकर आपने सब डबल क्लिक करना है। यहाँ पर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये वाला जो पोज है इसके ऊपर अप्लाई हो जाता है, ये देखेंगे ये एक पोज है जिसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। तो इस तरह से मतलब कोई भी पोज अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप इजीली जो है वो जस्ट डबल क्लिक करेंगे तो वो जो पोज है वो उसके ऊपर जाके लग जाएगा। इस तरह से ये आप देख रहे हैं इस तरह से जो पोज है वो यहाँ पे लग जाएंगी। और भी काफ़ी सारे इन्होंने दिए हुए हैं जैसे कि ये है, ये देखें जी एक ये पोज है और काफ़ी अच्छा पोज है जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लगा सकते हैं आप। और इस तरह के मतलब जो भी पोज आप लगाना चाहते हैं जस्ट आपने उसके डबल क्लिक करना है तो यहाँ पर जहाँ वो काफ़ी सारे पोज यहाँ पे दिए हुए हैं, मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखें जी ये भी एक अच्छा पोज है। ये फीमेल के पोजेज हैं जो भी आप इसमें लगाना चाहते हैं, मेल के भी अगर आप फीमेल पे लगाएंगे तो वो भी लग जाएंगे लेकिन वो जो है वो सही से आपको अच्छे नहीं लगेंगे क्योंकि मेल के जो पोज होती हैं वो अलग होती हैं, फीमेल के जो पोजेज हैं वो अलग होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको जो है वो पोज किस तरह से आपने लगानी है अपने 3D करैक्टर्स पर आपको समझ आ गई होगी।